बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं एनुअल एग्ज़ाम में, एमसीक्यूज़ भी इसमें से बहुत सारे बनते हैं, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज हम अटैम्प्ट करेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक है आज का एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की बॉडी में से जो वेस्ट है, स्पेसिफिकली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसको बॉडी से कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं तमाम एनिमल्स में, हम जनरली वन बाय वन देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो कौन सा है जिसको उसने बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, फिर देखेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट वाटर एंड साल्ट। जो वाटर और साल्ट है ये कॉमनली हमें पता है उस कंडीशन में एज अ वेस्ट गिना जाता है जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो। मैं अगर वाटर की बात करूं तो अगर पानी मेरी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उस ज़्यादा वाटर को हमने बॉडी से बाहर निकालना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब है वाटर एज अ वेस्ट तब गिना जाएगा जब बॉडी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होगी, यानी कि बॉडी के फ्लूड के अंदर साल्ट का लेवल, हाइपो साल्ट का लेवल कम होगा और वाटर का लेवल ज्यादा होगा, तो उस ज्यादा चीज को ही हमने बॉडी से बाहर निकालना क्योंकि बॉडी में बैलेंस रखना है। नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट भी डेफिनेटली उस सिचुएशन में हमने एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना है जब बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा साल्ट हो। अगर तो साल्ट की कमी है फिर इसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर ये हमारे लिए वेस्ट नहीं है। और अगर ये बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक यानी कि बॉडी के फ्लूड में, बॉडी सेल्स के अंदर साल्ट का लेवल ज़्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, यानी कि वो एक्स्ट्रा साल्ट फिर बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये कहता है कि एक चीफ प्रोडक्ट है हमारी बॉडी की, सबसे इंपॉर्टेंटली और सबसे मेजरली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गिनी जाती है वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन के एलिमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के एलिमेंट क्योंकि टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए बॉडी से इसको हमने बाहर निकालना है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता किस चीज़ से है, याद रखिएगा, जब भी हम प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ खाएंगे, जब भी आप सिंपल कह लें गोश्त खाएंगे, दालें खाएंगे, ऐसी ग़ज़ा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे अंडे हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है तो हमें क्या देता है, प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो जब अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर जाके दोबारा से यूटिलाइज होना शुरू होते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट भी बनता है, उस वेस्ट को हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। जिस तरह से एक लोहार कोई कुर्सी बना रहा है या कोई बेड बना रहा है लकड़ी से, तो लकड़ी को जब तराशता है तो असल उसकी जो प्रोडक्ट, उसने बेड लेना है या उससे कुर्सी लेनी, लेकिन उस लकड़ी को तराशते हुए जो कुछ लकड़ी के टुकड़े पीसेस छोटे छोटे वेस्ट के तौर पर बाहर वो फेंक देता है, वो जब रगड़ता है तो उससे निकलते हैं। ऐसे ही बॉडी जब प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करती है और अमाइनो एसिड को बॉडी के लिए यूजफुल बना रही होती है, उस वक्त कुछ वेस्ट बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब जब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, यानी कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, तो उससे रिलीज होता है NH2, यानी कि अमाइन ग्रुप। अमाइनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर हमें याद हो तो उसमें एक तरफ लगा होता है अमाइन ग्रुप, तो अमाइनो एसिड टूटेगा तो वो टूट के अमाइन ग्रुप अलग हो जाएगा। ये जो अमाइन ग्रुप का अलग होना है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें अमाइन ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है।
तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और ये एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इसे जरा ध्यान से कीजिएगा। अमाइनो एसिड की जब बॉडी में ब्लड में कैटाबॉलिज्म होनी है उसके नतीजे में रिलीज होगा NH2, और NH2 की जो ये प्रोसेस है रिमूव होने का, इसको हम कहते हैं डीअमाइनेशन। अब ये डीअमाइनेशन तो हो गई, आगे जो NH2 है ये टॉक्सिक है, जहरीला है, ये कहाँ जाएगा? डेफिनेटली ब्लड के अंदर ही है, तो ब्लड का जो प्लाज्मा टॉक्सिक लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा। ब्लड के प्लाज्मा में ये जमा होता जाएगा, जितनी ज्यादा डीअमाइनेशन होगी उतना ज्यादा अमाइन ग्रुप ब्लड में जाएगा और उतना ही ब्लड प्लाज्मा का लेवल टॉक्सिक होगा। तो जितना ब्लड प्लाज्मा का लेवल टॉक्सिक होगा ये हमारी बॉडी के लिए या किसी भी एनिमल की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लाइक हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये कन्वल्जन्स, जैसे झटके लगना, बॉडी में झटके लगते हैं रेगुलर, कोमे की कंडीशन में चला जाता है बंदा, इवन दैट डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये अमाइन ग्रुप जो ब्रेन के सेल्स हैं जिसे हम ग्लाइल सेल्स कहते हैं उनके लिए बड़ा नुकसानदायक है, तो ये बॉडी के अंदर डेथ भी काज कर सकता है। अब हमने ये देखना है ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, कम कौन से होते हैं और बहुत थोड़े कौन से होते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो किसी भी एनिमल की बॉडी में ज़्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया और यूरिक एसिड एंड देन अमोनिया, ये मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट गिना जाता है। इसी तरह से लो क्वांटिटी में यानी कि थोड़े कम मकदार में जो होते हैं, क्रिटनिन है, क्रिटन है, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड है, मतलब थोड़े से कम, मोस्टली नहीं है, उससे थोड़े कम होते हैं। तो क्रिटनिन, क्रिटन, ये आपने अक्सर अगर कोई बॉडी बिल्डर होगा तो वो सुना होगा कि वो क्रिटन लेता है, ये एक तरह से अमाइनो एसिड है, एक मसल्स के अंदर एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है क्रिटनिन, जो कि मसल्स की डिवेलपमेंट को इंक्रीज करता है। सिंपली आप कह लें मसल्स की एनर्जी करेंसी है उसके पास, जो जब उसने कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करना है तो उसके अंदर ये क्रिटनिन एज अ एनर्जी काम करता है, बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को और मसल डिवेलप करता है। बहरहाल यहाँ पर बाज़ दफ़ा जब एक्स्ट्रा लेवल हो जाता है ब्लड में, बॉडी में, तो ये एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट गिना जाता है, यानी कि वेस्ट हमने इसे बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि डेफिनेटली इसकी एक नॉर्मल मिकदार ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो ये नुकसानदायक है। नाइट्रोजनस वेस्ट में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कुछ प्योरीन्स और पायरामिडीन्स भी होती हैं, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी का वेस्ट गिना जाता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, प्योरीन और पायरामिडीन की भी आगे कैटाबॉलिज्म जब होती है तो इससे ड्राइव्ड होते हैं कुछ और नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स, वो कौन से हैं, जैंथीन, हाइपोजैंथीन और एलेंटॉइन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नाइट्रोजन एलिमेंट रखते हैं और नाइट्रोजन एलिमेंट जब रखेंगे तो बॉडी के लिए वो नुकसानदायक है। तो इसके बाद है, अगर हम देखें जितने भी एनिमल्स हैं, कलेक्टिवली बात करें जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट के लिहाज से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बॉडी से बाहर निकालते हैं ज़्यादातर, दोबारा रिपीट करता हूँ, हैबिटेट के लिहाज से वो अपनी बॉडी से ऐसा कौन सा गंद है जो उसने बॉडी से बाहर निकालना है और किस फॉर्म में वो बाहर निकालता है मेजरली। जैसे ये हमने कहा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये भी हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी थोड़ी सी क्वांटिटी में क्रिटन इन क्रिटन भी हो सकता है, लेकिन मेजरली इन तीनों में से कौन सी चीज़ है, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया, तो इनमें से कौन सी चीज़ वो ज़्यादा बॉडी से बाहर निकालेगा। तो यही हमने पढ़ा, अमोनिया हो सकता है या फिर यूरिया हो सकता है या फिर यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक सिंपल सी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कोई अमीर बंदा होता है, अमीर बंदा महंगी चीज़ खरीदता है क्योंकि उस महंगी चीज़ का रेट भी ज़्यादा है, तो वो रेट ज़्यादा कौन लेके आ सकता है, जो अमीर है जिसके पास वो महंगी चीज़ खरीदने के पैसे हैं। तो आप समझिए अमोनिया एक महंगा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ये महंगा किस लिहाज से है, पानी के लिहाज से, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर जाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो जिस भी एनिमल के पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी वो डेफिनेटली अमोनिया को ही बॉडी से
बाहर निकालेगा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अमीर के लिए महंगी चीज़ खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही जिनके पास वाटर ज़्यादा है उन एनिमल्स के लिए अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर बॉडी से बाहर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से जो थोड़े से मतलब मॉडरेट होते हैं, ना इतने ज़्यादा गरीब ना अमीर, तो उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, कभी कभार ज़्यादा होते हैं कभी कभार कम होते हैं, तो वो उसी लिहाज से चीज़ खरीदते हैं। तो आप कह लें यूरिया थोड़ी सी ना ज़्यादा महंगी है ना बहुत ही कम महंगी है, तो ये कौन लोग खरीदेंगे जिनके पास मॉडरेट जो पैसे हैं। ऐसे ही यूरिया एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास मॉडरेट वाटर की सप्लाई है वो यूरिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालेंगे। सही है, क्योंकि यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, मॉडरेट सप्लाई चाहिए, तो इन जानदारों के पास मॉडरेट वाटर मौजूद होता है, जैसे ह्यूमन बींग भी है, तो ये मेजरली यूरिया को ही बॉडी से बाहर निकालता है। फिर आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग जिनके पास बिल्कुल ही महंगी चीज़ ख़रीदने के पैसे नहीं होते, तो वो डेफिनेटली क्या करते हैं, लंडा बाज़ार LB मार्केट जहाँ पर बहुत कम रेट होता है चीज़ों का, वहाँ से वो ख़रीद लेते हैं। इसी तरह से यूरिक एसिड को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालने वाले जो जानदार हैं उनके पास पानी थोड़ा होता है, बल्कि बहुत थोड़ा होता है। यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिन्होंने बाहर निकालना है उन जानदारों के पास पानी क्या है, बहुत थोड़ा। तो यूरिक एसिड थोड़ा ही पानी मांगता है, बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, तो वो उसके ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए अमोनिया कहता है ऐसे जानदार जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर साल्ट का लेवल कम है और वाटर ज़्यादा है, वो क्या अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, अमोनिया। और अमोनिया बहुत ही जहरीली है, बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, तो जब वो ये वाटर में ब्लड में डिजॉल्व होगी तो ब्लड का टॉक्सिक लेवल इंक्रीज कर देती है। इसका मतलब है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है फौरन। ठीक है, तो फौरन निकालने के लिए इस ये जो पानी की बहुत ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अमोनिया, तो 500 ml पर ग्राम ऑफ अमोनिया बॉडी से बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है। यानी कि 500 ml पानी है अगर उसकी बॉडी में, तो 1 gram अमोनिया बॉडी से बाहर जाएगी। तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा पानी, तकरीबन आधा किलो पानी बॉडी से बाहर लेके जाना है सिर्फ 1 gram अमोनिया बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो इतना ज़्यादा पानी एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास ही होता है, जैसे फिशेज हैं, तो फिशेज एज अ अमोनिया बॉडी से ये वेस्ट बाहर निकालते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो सिक्रीट करते हैं अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक। क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। अब यहां पर दो वर्ड्स हैं, अमोनोटैलिक जो है ये टैलिक, ये निकला है टैली से, टैली का मतलब होता है दूर, आपने सुना होगा टेलीविजन, विजन मतलब दूर से जो हमें नजर आ रहा है, टेलीफोन, टेलीफोन मतलब किसी से दूर बात करनी है, तो टैली दूर, अमोनोटैलिक जो के अमोनिया को दूर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं अमोनिया को बॉडी से दूर करते हैं वो अमोनोटैलिक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बनता है। इसके बाद यूरिया, यूरिया कौन से जानदार सेक्रीट करते हैं जिनके पास लो सप्लाई ऑफ वाटर होती है या मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, कभी ज़्यादा कभी कम, इतना कम भी नहीं और इतना ज़्यादा भी नहीं, तो ये क्या करते हैं अमोनिया को चेंज करते हैं यूरिया में, अमोनिया चेंज होती है इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यूरिया साइकिल एंजाइमेटिकली एक्शन होता है, तो अमोनिया जो चेंज हो जाती है इनटू यूरिया। तो इसको चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि अमोनिया हमने कहा बड़ी खतरनाक है, बड़ी जहरीली है, सही है, तो ये इसको कम जहरीले मादे में हम चेंज कर देते हैं, वो है यूरिया, क्योंकि इसमें से कुछ नाइट्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन रिमूव होने की वजह से यूरिया जो है थोड़ी लेस टॉक्सिक है, थोड़ी ज़्यादा देर तक बॉडी में सर्वाइव कर भी ले या इसका लेवल ज़्यादा भी हो थोड़ा सा, तो वो बियरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। हालांकि यूरिया भी बॉडी में ज़्यादा हो
तो नुकसान होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यूरिया थोड़ा सा, आप यूरिया की प्रेजेंस में थोड़ा ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। इसके लिए रिक्वायर होता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा पानी चाहिए। कितना थोड़ा? 50 ml पर ग्राम ऑफ यूरिया। 1 ग्राम यूरिया बॉडी से बाहर निकालना है तो उसके लिए सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए। तो जिस भी जानदार ने नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालना है, उसके पास 50 ml वाटर होना चाहिए 1 ग्राम के लिए। ठीक है, तो जितने ग्राम ज्यादा उतने ही 50 ml वाटर ज्यादा होता जाएगा। तो ये मॉडरेटली पानी जो है, यहाँ जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम यहाँ पर रह रहे हैं तो इतना का पानी हमारे पास मौजूद होता है। तो इसलिए हम यूरिया की फॉर्म में यूरिनेशन जब करते हैं तो मेजरली हमारे यूरिन में क्या होता है? यूरिया। तो यूरिया सिक्रीटिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक, जो यूरिया को बॉडी से दूर करते हैं, यूरियोटेलिक। अभी मैंने बताया टैलिक निकला है, टैली से दूर करना। नेक्स्ट लास्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत ही, जिसे हम कहते हैं गरीब, जिनके पास पानी बहुत कम होता है, ऐसे एनिमल्स जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं और अक्यूट शॉर्टेज, बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है, तो वो तो इसका मतलब अमोनिया को बियर नहीं कर सकते। इसका मतलब है फिर उसको रिक्वायर है मिनिमम वाटर। यूरिक एसिड जो है बॉडी से जब बाहर जाता है तो इसके लिए बहुत थोड़ा पानी चाहिए। जैसे हमने लंडे की बाजार से कोई चीज लेनी हो तो उसके लिए बहुत थोड़े पैसों में वो मिल जाती है, ऐसे ही ये थोड़े ही वाटर के जरिए से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो एनिमल्स के पास पहले बहुत थोड़ा पानी है, तो वो थोड़े से पानी के जरिए से यूरिक एसिड की फॉर्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो 1 ml पर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, 1 ग्राम यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालना है तो उसके लिए कितना पानी चाहिए? उसके लिए पानी चाहिए 1 ml। और ये ज्यादातर जो बहुत ज्यादा खुश्की पे जानदार रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, जैसे बर्ड्स, ये जानदार यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यूरिक एसिड सेक्रीटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, यस प्लीज, यूरिकोटैलिक। तो ये अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक बाय वर्ड ही हमें पता चल जाता है कि जो सिक्रीट करेंगे वो बॉडी से बाहर, उसी की बेस पर उसका नाम है टैलिक। एंड नेक्स्ट, एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एमडी कैट में भी, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है मेजरली, जो अमोनिया है, यूरिया और यूरिक एसिड, तो एवोल्यूशन इनकी देखें तो सबसे पहले जानदार जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते थे वो कौन सी है, उसके बाद एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सी आई। तो सबसे पहले, क्योंकि हम एवोल्यूशन देखते हैं पानी से आगे खुश्की पर जानदार जानदारों की एवोल्यूशन हुई, तो पानी में अमोनिया सिक्रीट होती है, अमोनिया के बाद आहिस्ता आहिस्ता जानदारों ने यूरिया सिक्रीट करना शुरू किया, क्योंकि उनका हैबिटेट चेंज होता गया आहिस्ता आहिस्ता, एवोल्यूशन हुई, हैबिटेट चेंज हो गया, और यूरिया के बाद फिर यूरिक एसिड, यानी कि सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और सबसे एडवांस टाइप है यूरिक एसिड। तो ये डिफरेंट मेथड यूज करते हैं एनिमल्स इन तीनों को बाहर निकालने के लिए। डिफरेंट उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, किडनी है, या उससे पहले इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ नेफ्रिडियल सिस्टम होता है, जो आगे टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्रामेटिकली हमने इस पूरे लेक्चर को समराइज किया है कि अगर कोई भी जानदार, कोई भी एनिमल है, वो प्रोटीन की इनटेक करता है, या उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, वो दोनों ही उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, वो कैटाबोलाइज होते हैं, टूटते हैं, तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? अमाइनो एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से मिलता है नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, और वो नाइट्रोजिनस बेसिस प्योरीन्स, पाइरिमिडीन्स हो सकती हैं। अमाइनो एसिड की आगे फिर जब ब्रेक डाउन होगी, जिसे हमने कहा था पीछे डी अमाइनेशन, डी अमाइनेशन होगी तो ये अमाइनो ग्रुप NH2, ये बड़ा रिएक्टिव है। इसी तरह से नाइट्रोजिनस बेसिस की भी अगर कैटाबॉलिज्म होगी तो NH2 हमें मिलेगा, तो ये अमाइन ग्रुप टॉक्सिक है, रिएक्टिव है, तो बॉडी इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में या इसको किसी और सब्सटेंस में चेंज करती है। कुछ जानदार इसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं, कुछ जानदार इसको यूरिया में चेंज कर देते हैं,
और कुछ जानदार इसको यूरिक एसिड में चेंज करके बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जो अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं हमने देखा, क्योंकि उनको पानी ज्यादा चाहिए, तो वो फिशेज हो सकती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और जो यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालेंगे उनको मॉडरेट वाटर की सप्लाई चाहिए, तो वो हो सकते हैं मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, शार्क है, और कुछ बोनी फिशेज भी हो सकती हैं। और इसके बाद लास्ट में जो यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड के लिए बहुत थोड़ा पानी चाहिए, तो जिनको बहुत थोड़ा पानी मिलता है वो ज़्यादातर बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और रेप्टाइल्स, और इसी तरह से लैंड स्नेल हो सकते हैं। और यहाँ पर एक दफ़ा यूरिया और यूरिक एसिड का ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ज़रूर आपने याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के लिहाज से एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा है, और वो मेजर वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वो कौन सा होता है, और उन ऑर्गेनिजम्स को उसकी बेस पर हम क्या नाम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।